तो गुड मॉर्निंग है और अभी हम आ गए हैं बुद्धा पार्क या बोल सकते हैं स्काई वॉक पैलिंग का जो है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। और क्यों फेमस है? इसीलिए फेमस है और मेरे पीछे जो है वो स्काई वॉक है। हुआ क्या कि हम लोग गाड़ी लेके सीधे ऊपर चले गए थे, तो अभी मैंने गाड़ी ऊपर पार्क की हुई है और मैं ऊपर चढ़ के जा रहा हूँ और गाड़ी लेके फिर नीचे पार्किंग में खड़ी करेंगे, टिकट लेंगे, स्काई वॉक करेंगे। फ़ोटो वोटो हमने पहले ही आके खिंचवा लिए थे, सिर्फ हम लोग वेट कर रहे हैं टिकट काउंटर के खुलने का। सीढ़ियाँ बहुत सारी हैं, हाँ 12-12 के पेयर में कम से कम 14 बार आपको करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो कैलकुलेशन। बाकी जगह बहुत वर्थ है, अभी प्रेयर चल रही है तो मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। व्यूज़ एक नंबर है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग बोल सकते हैं। थक गया हूँ यार, रुकना पड़ेगा क्या? सांस फूल गई है। फिट है तो हिट है हमेशा की तरह, बस वही एक जुनून। बाकी ये व्यू है बुद्धा का, बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार। और ये व्यू है इस जगह का, पूरे में बादल हुए हैं और ये देखिए क्या खूबसूरत व्यू है। ये बुद्धा की मूर्ति के पीछे आ गया हूँ मैं, अल्टीमेट। हम जा रहे हैं अब स्काई वॉक की जगह जिसके लिए हम आए थे और ये है भाई साहब स्काई वॉक। तुषार भाई डर लग रहा है क्या? ये देखो साहब, ये है मस्त स्काई वॉक और ये है पैलिंग का खूबसूरत नज़ारा और ये है बुद्धा का स्टैचू। और फिर से गुड मॉर्निंग है। वैसे गुड मॉर्निंग तो बहुत पहले हो चुकी थी लेकिन दोस्तों को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। 10:10 हो रहे हैं, डिस्प्ले वापस आ गया है, आवन जावन का कार्यक्रम लगा हुआ है अपने डिस्प्ले का। 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और हम लोग अभी निकल रहे हैं पैलिंग से। वो देखिए खूबसूरत कोहरे को, और ऐसा ना कि खूबसूरत कोहरे को दिखाते हुए मैं ही खूबसूरत कोहरा बन जाऊँ। वो देखिए कोहरा कोहरा, धुआं धुआं हो रहा है समा, कहीं तो है आग लगी। यस, आग लगी है देखने वालों के दिलों में। भाई कसम, यहाँ से अपन को टर्न लेफ्ट लेना है क्या? पक्का लग तो नहीं आ रहा मेरे को भाई। नहीं नहीं गलत है, गलत है। देखा आपने कि गूगल के चक्कर में कई बार हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं, हमको जाना तो सीधे ही है। तो क्या हुआ कि तुषार भाई ने बोला कि एक बार गुड मॉर्निंग तो कर लो अपने व्यूअर्स से, तो हमने कहा गुड मॉर्निंग तो कर लेते हैं, वरना हमारा दोस्त आकाश मुल्तानी, मैंडी पाजी और राइडर इश्तियाक कुरैशी बुरा मान जाएंगे। तो भाई साहब ऐसा है कि अब हम निकल गए हैं पैलिंग से और आज का जो हमारा स्टॉप है वो है लाचेन, जो कि यहाँ से गूगल दिखा रहा है कि 6 घंटे है क्योंकि डिस्टेंस है 180 के आसपास, लेकिन अगर रोड घुमावदार है तो फिर कुछ कर नहीं सकते। यस ये चलिए। और भाई साहब खूबसूरती तो हम क्या बताएं, ऐसी है कि बस मन मोह लेती है और आपका दिल जो है उन्हीं वादियों में रह जाता है। भाई साहब ये देखो लहराते हुए झंडे, ये कोहरा रोड के ऊपर, अल्टीमेट। तो आज की जो डेट है वो है, बता देता हूँ आपको, अपडेट कर दे रहा हूँ, आज की डेट है 27th of May 2023। दिन कौन सा यार तुषार? शनिवार है क्या? शनिवार है आज, शनिवार। भाई मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रह रहा कि क्या है यहाँ पर। वंस यू आर ट्रैवलिंग आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा कि आपका जो डे है वो कौन सा है, क्योंकि मोबाइल आपका लगा हुआ है बट उसमें भी हम नहीं देख पा रहे हैं। सो यस, एवरी डे इज़ अ संडे, बट हमारे तो मंडेज भी संडेज हैं और संडेज भी मंडेज हैं। ओके, तो बस इसी के साथ अपडेट करते हैं और आगे अभी कहीं रुकेंगे, कुछ होगा अच्छा दिखेगा खूबसूरत इससे भी ज़्यादा, तो फिर आपको अपडेट करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Siblings are perfect and I wish I were the same. Making bad decisions, it should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite. Watch me burn my whole house down, I feel a thing. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there, there's a good guy. He runs away at midnight. हम अभी क्रॉस कर रहे हैं रवांगला और टाइम अपडेट ये है कि 12 बज गया है एग्जैक्ट और हम अपने पैलिंग से आ गए हैं ऑलमोस्ट 49 किलोमीटर। और यहाँ पे स्लश है, थोड़ा सा रोड ख़राब है ये वाला, पता नहीं कितना दूर तक, लेकिन हम एक चीज़ बहुत फील कर पा रहे हैं वो है टेम्परेचर ड्रॉप। यहाँ पर वैसे गाड़ी पे दिखा रहा है 24, बट आई कैन फील कि ये 20 के आसपास होगा यार। ठंड है, अच्छा ठंड है। व्यू देख लो एक बार आप, क्या व्यू है, नज़ारे देख लो एक बार। बस ये नज़ारे चलते चले आ रहे हैं, इसके अलावा मतलब अब ऐसे ब्यूटीफुल नज़ारे जो हैं वो नॉर्मल हो चुके हैं हमारे लिए। तो लेकिन एक्साइटमेंट बना हुआ है क्योंकि
अभी आगे और भी जाना है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग जो है वो मुझे फील हो रही है, बाकी तो सब बढ़िया है। आगे हम सोच रहे हैं मंगन में रुकेंगे अच्छे से, क्योंकि मंगन में एक लंबा स्टॉप इसलिए होगा क्योंकि हमें परमिट कलेक्ट करना है, बंदे को बुलाना है, तो वहाँ पे जाके आराम से कुछ खाएंगे पिएंगे, पेट पूजा करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि वो ब्रेक थोड़ा सा लंबा ही रहेगा इसलिए। बाकी तो सब ठीक है मंगन तक, बाकी चलते हैं और आपसे आगे मिलते हैं रोड पर। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। I'm sorry that I stole your car and got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm so I don't take it way too far. Drive up while I'm 23. I'm sorry, mom. ये थी दिक्चू से पहले एक जगह जहाँ पर हमने खाया चाउमीन और चाय, और भाई साहब अभी यहाँ से दिखा रहा है अपना मंगन तो ठीक है 30 किलोमीटर ही है, लेकिन लाचेन जो है वो 3 घंटे और है, शाम के 6 बज जाएंगे, अभी तक 5 थे, एक ब्रेक ज़रूरी था, ले लिया, डन एंड डस्टेड। और अब जो है आगे हमको फ्यूल भी लेना है, ये भाई एवेंजर पे घूम रहा है एक, तो बाकी सब तो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, रोड सही है, हमने गूगल ऑफलाइन डाउनलोड किया हुआ था तो उसी के सहायता से चले आ रहे हैं, बाकी तो सब बढ़िया है। और ये रोड शायद BRO मेंटेन कर रहा है इसीलिए ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, अगर हैंडसम स्पीड लेके चलें 30-40 की तो शायद 1 घंटे में मंगन और फिर वहाँ से 1.5-2 घंटे में लाचें। लाचेन में होटल बुक नहीं किया है लेकिन एक बंदे से बात हुई है तो अगर वो होटल करवा देगा, उसने रेट बोला है कुछ 1200 पर हेड, तो देखेंगे कैसा होता है। अभी डिसाइड इसलिए नहीं किया है क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है और शाम को 5 बजे से ढूंढना स्टार्ट करेंगे, अगर लाचेन से थोड़ा पहले चुंगथांग पे ही स्टे कर जाते हैं तो अलग बात है, सब कुछ अनसर्टेन है। लेट्स सी विदाउट प्लानिंग द थिंग्स आर बेस्ट, बिलीव इन दिस थिंग। ओह क्या खूबसूरत पुल है, ये क्या खूबसूरत पुल है, यहाँ पर मौसम बस चेंज होता रहता है, आप ध्यान रखिए हमेशा। ये देखिए पहाड़, बादल, सामने झरना और आगे हमारा राइडर क्रॉस करता हुआ तुषार खेर। ये देखो क्या खूबसूरत झरना है, क्या खूबसूरत झरना है भाई, अल्टीमेट ऐसे, मतलब पता नहीं कितने वाटर फॉर्म क्रॉस कर चुके हैं, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही अल्टीमेट। सो दिस रूट इज़ वेरी सीनिक, हमने बस चुन लिया, लोगों ने बोला गैंगटॉक से जाएंगे, हम लोग पता नहीं कौन सा एक, हाँ नहीं डेंजरस नहीं है, मतलब मैं बोलूँगा डेंजर के मामले में अगर अपन रेड करेंगे 1-5 ना, इट इज़ लाइक 3, ये 3 लेवल पे है, किसी ने स्पीति किया होगा ना तो ये कर लेगा आराम से। नेपाल था 4 लेवल पे, मतलब अलग लेवल पे डेंजरस था वो, तो मुझे अभी उसके सामने नहीं लग रहा कि हाँ ठीक है डूएबल है। 120 किलोमीटर स्लश और स्लश और सिर्फ स्लश, और उसके बाद फिर आपको ऊंची से पत्थर बोल्डर्स ये सब मिले, वो लेवल 4 है, लेवल 5 के लिए सोचना पड़ेगा कि उससे क्या ज़्यादा हो सकता है, मिला नहीं अभी तक जिसको लेवल 5 का तमगा दिया जाए।
तो ये लेवल 3 तक जा सकता है, लेवल 3 लेवल 2 तक। अरे कितना उछटाओगे पानी अपने टायर से, तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारे लाइनर ही गंदे होंगे, हम पे नहीं असर पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ मतलब यहाँ पर हिमालयन ही वर्थ है एक्चुअली। आप जब गाड़ी लेने जाते हो ना तो आप ये सोचते हो कि क्या लेना है, तो पहले ये देखो कि आपको करना क्या है उससे। तुम्हें अगर आटा दाल पिसाना है तो तुम फिर वो क्लासिक क्लासिक ले सकते हो। बेइज्जती हो रही होगी, क्लासिक वाले बोलेंगे साले हम लोग मतलब क्या है आटा दाल वाले। मतलब सबका अपना अपना चॉइस है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। और अगर आपको एकदम ऑफ रोडिंग है ना तो आप ये कर सकते हो, क्लासिक में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑलवेज अबाउट द राइडर नॉट द बाइक, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है बस। बट जितने अच्छे से सॉफ्टली हिमालयन हैंडल करती है ना, क्योंकि वो बनी ऑफ रोड के लिए। हाँ, इसी को लेके अगर तुम चले जाओ उस पर हाईवे पर, फिर देखो हिमालयन कैसा आगेगी। मतलब फिर तो लगेगा अरे यार इतना ट्रैक्शन भाई, 120 से टॉप स्पीड नहीं जा रही ऊपर। पर ऑफ रोडिंग में ये एकदम मक्खन की तरह निकलती जाती है बस। मस्त मज़ा है, एक नंबर, यही तो चाहिए अपने को ज़िंदगी में भाई। देख लो सब लोग, अक्कू तू तो देखेगा ही देखेगा, मुझे पता है, तू भी देख ले भाई अच्छे से। लेकिन अक्कू भाई तेरे को थैंक्स यार, मैं बार बार तेरे को थैंक्स बोल रहा हूँ, तू सोच रहा होगा मलाई मार रहा हूँ, मस्का मार रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ सही रहा हूँ, तेरी वजह से ये सब राइड पॉसिबल हो भाई। मतलब राइड तो हो जाती बट हम लोग जब बात करते हुए चल रहे हैं ना, तेरी वजह से मेरा वाला तो ख़राब हो गया था। इसलिए हमेशा अपने दोस्तों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिलवाते रहो। भाई साहब अभी हमें पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन फ़िलहाल हम जो देख पा रहे हैं वो ये कि सामने पहाड़ पे जो है वो बर्फ़ के दर्शन हो गए हैं। सफ़ेद चादर बर्फ़ की हमें दिख गई है, जिसका मतलब है आगे ठंड पड़ने वाली है। वो वहाँ दिख रही है मुझे, वहाँ दिख रही है, और इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि अगर बर्फ़ है तो फिर वहाँ बरसात नहीं है, ये बात भी है। करते रहेंगे आपको अपडेट। अभी बज रहा है 3:30 और टेम्परेचर हो रहा है 27 डिग्री सेल्सियस। रेन लाइनर हमने उतार दिया, थोड़ी गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने सिर्फ लोअर पहना हुआ है, बाकी तो बस चल रहा है, बाकी सब ठीक है, बस चल रहा है। अब तुम्हारा बस कट रहा है भाई 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 मता 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 मता, अरे वो समझ जाएगा। और हम आ गए हैं मंगन, अपडेट है 4:00 25 डिग्री सेल्सियस है ब्रदर। और ये हैं हमारे भैया जिन्होंने हमारे लिए परमिट निकाले हैं। अच्छा। और यही भैया हैं, अभी बाकी इनसे बातें होंगी बट थोड़ा सा हो जाए फिर। मंथांग में, और मंथांग में मेरे साथ हैं लाजंग लामा मंगन, जी मंगन। ओ हाँ सॉरी मैं भूल गया, अभी हम लोग हैं मंथांग में, नहीं मंगन में, हम लोग मंगन देख रहे हो अब क्या हो रहा है हमारे साथ, यात्रा चल रही है, अभी मंगन में है। मंगन में लामा जी हमारे साथ हैं और इन्होंने हमें परमिट निकाल के दे दिया है। मैंने कल आई थिंक परसों इनको फ़ोन किया था परमिट के लिए, तो परमिट के लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मुझे बताए थे। क्या क्या लगता है सर, क्या बता दूँ? आरसी लगता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पॉल्यूशन इंश्योरेंस और DLB आई थिंक ना, ड्राइविंग लाइसेंस भी लगता है और वोटर आईडी भी आपको लगने का। तो ये परमिट इन्होंने निकाल के दिया। कितना कॉस्ट लगा सर इसका आपका? हम लोगों ने 3 दिन का निकलवाया है, 810 रुपये और एक आदमी का है, दो आदमी का मिला के हो गया 1620 रुपये। तो हमने इनको ऑनलाइन कुछ पेमेंट दे दिया था और बाकी सब बढ़िया है, परमिट निकल गया, जेरोक्स इन्होंने करवा दिया, अब इससे परमिट लेके हम निकल जाएंगे। एक बार आपका नंबर आप बोल दो स्क्रीन पर। अच्छा, मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, 9647990163। ठीक है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और अगर आप इंस्टाग्राम कुछ चलाते हो क्या? अच्छा, मैक्सिमम जो बाइकर्स हैं ना मेरे फ्रेंड लिस्ट में, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से जो मैंने मेरे लिए कोई भी अगर एमपी से कोई आएगा ना, मैं आपका नंबर सजेस्ट करूंगा, वो एमपी वाला आपके यहाँ से आएगा, एमपी और राजस्थान से जो भी आएंगे ना आपका ही रिकमेंडेशन जाएगा, टेंशन नहीं है। ओके ब्रदर, ओके ठीक है। इंस्टाग्राम चलाते हो क्या? नहीं है मेरा, लेकिन यूज़ नहीं करता, लेकिन उसमें जो इंस्टा यूज़ करो ना, थोड़ा फ्रीक्वेंटली होगा। चलो फेसबुक पे भी करवा देंगे, फेसबुक पे अपना तुषार भाई करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं। तुषार भाई पीछे है, गुस्से में देख रहा है बस। अच्छा, चलो ठीक है, हम निकलते हैं अब यहाँ से लाचेन की तरफ।
ग्रे गुड इवनिंग है और हम लोग लाचेन पहुंच गए हैं। लाचेन में टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस और हम लोगों ने यहाँ पर आते से ही एक होटल है मतलब ऑन द वे ही है, तो तुषार भाई ने देखा उसको और उसने पूछा होटल चाहिए, तो हमने बोला हाँ चाहिए, तो उसने बोला कितना, हमने पूछा कितना, तो उसने बोला 800 रुपये पर हेड। तो अपन पहले डिसाइड करके आए थे कि 1000 रुपये तक तो अपन को मिल ही रहा था 1200 तक, तो ये उससे 400 रुपये सस्ता मिल गया। ठीक है, होटल इज़ मतलब रूम इज़ गुड, कोजी हैं, काफ़ी बारिश हो रही थी और हम लोग थोड़ा सा भीग भी गए थे, ट्रेंच हो गए थे। आज तुषार भाई ने मुझसे बदला लिया तो मैंने भी इनसे बदला ले लिया है। अभी देखो तुषार भाई कहाँ लेटे हुए, तुमको दिखा देते हैं। ये लेटा तुषार भाई और ये हमारा सामान पड़ा हुआ है, वहाँ सामान टंगा हुआ है, ये सब टंगा हुआ है, पड़े ही है। यही है कमरा अपना, बस हरा हरा सा, और इसके बाहर पता नहीं कैसा व्यू है वो तो नहीं मालूम। ये दीवारें ठंडक फेंक रही है भाई, भगवान कसम सही में फूके देख ले। इधर तो प्लाई है भाई, इनका नहीं पता, अपन तो भाई तो ठंडक तो है मौसम में। तो अब जो अपडेट है वो ये है कि हम लोग 6 बजे के आसपास आ गए थे, 184 किलोमीटर्स, और ऑलमोस्ट हमको कितना टाइम लगा है, हम लोग सुबह निकले हैं 10 बजे, तो शाम को 5-6 बजे ब्रेक लेकर, जिसमें हमने शायद एक स्टॉप लिया है, 2 स्टॉप्स लिए हैं, हाँ प्रॉपर जो होते हैं मतलब, फिर बीच में एक फ्यूल ब्रेक। हाँ मैंने ये देखा कि अगर मंगन में ना आपको एक पेट्रोल पम्प मिलेगा, आप फ्यूल वहीं भरवा लो, क्योंकि उसके बाद मंगन के बाद कहीं पर भी कोई पेट्रोल पम्प है ही नहीं। हमने फ्यूल ले लिया है, तो हम कल क्या करेंगे, गुरुदोंगमर जाएंगे, फिर वापस लौट जाएंगे अपने मंगन की तरफ, तो हमें मिल जाए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने लाचुंग जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। रीज़न इज़ क्योंकि हमें शायद वेस्ट सिक्किम तो हमने कर लिया, ईस्ट सिक्किम जाना है, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना गैंगटॉक में एक दिन स्टे करेंगे, फिर उसके आगे ईस्ट सिक्किम चलेंगे। प्लान कुछ किया नहीं है, तो जैसा भी होगा पता लगते जाएगा आपको। और हाँ, एक चेक पोस्ट पड़ता है मंगन के जस्ट बाद, वहाँ पर उन्होंने बोला कि आपको गोप्रो अलाउड नहीं है, व्लॉगिंग करना अलाउड नहीं है, तो हमने पूरी तरीके से देशभक्ति दिखाई और हमने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया रास्ते में, और रास्ता जो था वो बहुत ब्यूटीफुल था, मतलब हम ये चाहते थे दिखा दें, लेकिन हमें लगा कि ठीक है अगर आप लोग यहाँ पर आके उस चीज़ को महसूस करोगे तो शायद ज़्यादा बेटर कर पाओगे। लेकिन हमने सोचा कि लौटते में थोड़े थोड़े शॉट्स ले लेंगे, मतलब कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत दिखा देंगे कि हाँ ऐसी रोड है, स्लश है, ऑफ रोडिंग भी है। बारिश होने के बाद तो मतलब अजीब ही लेवल हो गया था, मतलब ख़तरनाक तरीके से। तो अभी बस थोड़ी देर में खाना आ जाएगा, और खाना भी हमारे उस रेंट में इंक्लूडेड है, तो बस खाना वाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे और सुबह उठ के गुरुदोंगमर निकल जाएंगे। अब हमारे पास परमिट जो है वो 3 दिन का है, तो कल का ट्राई करते हैं, कल अगर बारिश ज़्यादा नहीं होती और अगर रास्ता खुला मिलता है तो कल मार देंगे, वरना अपने पास एक स्पेयर दिन अपन लेके चले हैं, तो कोई इश्यूज़ नहीं है उसमें। फिर तो मिलते हैं अब आपसे कल सुबह, जब जाएंगे हम लोग गुरुदोंगमर लेक। अभी रात में हम जा रहे हैं सोने के लिए, अभी खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे, तो अब कहीं कुछ करना नहीं है, तो अब यहीं से गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। ये हमारा खाना आ चुका है, तुषार भाई यहाँ पे खाना खाना स्टार्ट कर दिए। तुषार भाई क्या खा रहे हो? ये दाल और ये आलू की सब्जी और ये चावल। दाल नहीं है, दाल जैसा कुछ है। अरे वो दाल ही, उसने बोला दाल बात है, पापड़ नहीं दिया इसने, पापड़ दिया, तुमको दिया।